मेरे हमारा एक हेल्थ केयर वर्कर है जो नर्सिंग अफसर है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये हेल्थ केयर वर्कर यूरोलॉजी आईपीडी में काम कर रहा था और 24 तारीख को सबसे पहले इसको सिम्टम्स डेवलप हुए जो कि माइल्ड थे, माइल्ड कॉफ और सोर थ्रोट। 24 तारीख को इसने हमारी स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट नहीं किया। 25 तारीख को इसको थोड़ा सा सिम्टम्स जब ज़्यादा हुए तो इसने स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट किया, वहाँ इसका सैंपल लिया गया और 25 तारीख की रात में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका कारण अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कोई एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पेशेंट है जिसके की कांटेक्ट में ये वार्ड में काम करते करते आया है और उसकी वजह से ही इसको ये संक्रमण हुआ है। एम्स की इसके आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी? एम्स में अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि चूंकि ये यूरोलॉजी आईपीटी में काम कर रहा था तो हमको वहाँ के सारे स्टाफ को व जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं सभी की टेस्टिंग करानी है। तो स्टाफ की ओपीडी में स्क्रीनिंग चल रही है और उनका सैंपल लिया जा रहा है। उसी तरह से जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं उन सभी का सैंपल लिया जाएगा और उसको भेजा जाएगा। पेशेंट्स को जब रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आएगी उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज वहाँ से किया जा सकता है। कोई भी नया पेशेंट उस ब्लॉक में नहीं लिया जाएगा, उस पूरे ही ब्लॉक को हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं और स्टाफ को जितने भी स्टाफ हैं उनका टेस्टिंग चल रही है और उन स्टाफ को भी हम क्वारंटाइन पर भेजेंगे और जब उनकी रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके अनुसार फिर काम किया जाएगा। सर, एम्स का जो ओपीडी है जो आप बीच में शुरू की थी पेशेंट्स के लिए, उस पे मतलब फिर बताएंगे आप, मतलब जारी रहेगी या फिर हम कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे? एम्स की जो जनरल एक ओपीडी हम लोग ने बनाई हुई है और एक कोविड स्क्रीनिंग की ओपीडी बनाई हुई है, तो वो फिलहाल वो दोनों ही ओपीडीज जारी रहेंगी।